एम्स गोरखपुर में इमरजेंसी ओपीडी सेवा शुरू होने पर मरीजों का इलाज हो रहा है। न्यूरो फैकल्टी के आने से ट्रॉमा सेंटर को 2400 घंटे शुरू किया जाएगा, जिसके संबंध में एम्स के निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने बताया कि इमरजेंसी में मरीजों का इलाज हो रहा है और 5 बजे के बाद भी मरीजों का इलाज हो रहा है, जिसमें हर तरह की बीमारी का मरीजों का इलाज हो रहा है। अगर किसी मरीज को किसी तरह की दिक्कत है तो वह आकर यहाँ दिखा सकता है। जल्द ही मरीजों को सभी तरह की सुविधा उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने कहा, धीरे धीरे न्यूरो के फैकल्टी के आने से ट्रॉमा सेंटर को भी 2400 घंटे शुरू किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा, ओपीडी हमारी तो वैसे जो रूटीन चल रही है वो चल रही है, लेकिन हमने इमरजेंसी सुविधा शुरू करी है और ये बेसिक मेडिकल इमरजेंसीज हैं जो कि आपको 5 बजे के बाद भी मुहैया रहेंगी, जिसमें जो भी पेशेंट्स हैं जिनको किसी तरह की तकलीफ है, बीमारी हेल्थ से रिलेटेड, वो आके हमारे यहाँ पे और दिखा सकते हैं। और ये बेसिकली इमरजेंसी सर्विसेज हैं जिसमें यूजुअली कई बार आप देखेंगे किसी का एक्यूट एब्डोमेन हो गया, पेट में एकदम से दर्द हो गया और इधर उधर भाग रहे हैं, तो आपको ये सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल सकती हैं। तो इमरजेंसी सर्विसेज हमने रिसेंटली ही लागू की हैं और हम शुरुआत में एक छोटे छोटे स्टेप से हम पथ की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आने वाले समय में ट्रॉमा इमरजेंसी के हमारे और डॉक्टर्स जुड़ जाएंगे, न्यूरो सर्जरी जब आ जाएगा तो हम मानते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में इसको हम और एक्सपेंड करेंगे। अभी हम बेसिक सर्विसेज से शुरू कर रहे हैं।